के पास डिग्री तो होगी लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे तो रहोगे लेकिन साबित नहीं कर पाओगे। काम करना तो चाहोगे लेकिन मिलेगा नहीं। घर वालों के सामने फॉर्मेलिटीज तो कर दोगे लेकिन खुद को कैसे समझाओगे। एक ऐसा सर्वे जो आपके होश उड़ा देगा। थोड़ी देर तक आप कहोगे ये तो नॉर्मल है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगे वायरस का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसने हमारे देश को बहुत खोखला कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसे लाखों युवा मिल जाएंगे जो उच्च शिक्षा और बड़ी बड़ी डिग्रियों के बावजूद ऐसी नौकरियां करते हैं जो नौकरी इनकी पढ़ाई लिखाई और डिग्री के हिसाब से नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी सरकारी विभाग में छोटे से छोटे पद की भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले युवा अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा। अब हालत ये हो गई है कि पीएचडी की पढ़ाई करने वाला युवा भी किसी सरकारी विभाग में पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है। इन लोगों का ये कहना था कि एक तो सरकारी नौकरी है और दूसरी बात ये कि इसमें ट्रांसफर भी नहीं होता। अब सोचिए, जो युवा डिग्री के हिसाब से बड़े बड़े पदों पर बैठने की योग्यता रखते हों या सपने देखते हों, वो कैसे खुशी खुशी चपरासी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से कई मामले आपने अपने सामने भी देखा होगा। ये सिर्फ नौकरी का संकट नहीं है, ये आपकी शिक्षा की क्वालिटी का संकट है, ये योग्यता का संकट है, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने से ही योग्यता नहीं आती। ये कड़वी सच्चाई है कि भारत में ज्यादातर पढ़े लिखे युवा नौकरी करने के काबिल ही नहीं है। वो किसी प्रकार की परीक्षा में अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाते। द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के कई सर्वेज में ये बताया जा चुका है कि भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परीक्षा में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। 65% ग्रेजुएट युवाओं में एक मामूली क्लर्क का काम करने के लायक हुनर नहीं। 47% ग्रेजुएट युवाओं में कोई भी नौकरी करने की काबिलियत नहीं है और 90% उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। देश में हर वर्ष औसतन 15 लाख छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। इनमें से 20% को ही उनके कोर्स के हिसाब से नौकरी मिलती है। देश के बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़कर निकलने वाले 93% युवाओं को 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन इसका बुनियादी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हायर सेकेंडरी लेवल पर करीब 14% शिक्षक योग्य ही नहीं है। प्राइमरी और जूनियर स्तर पर करीब 29% शिक्षक स्कूलों के से अक्सर गायब रहते हैं। क्यों मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ? उसका एक बड़ा कारण ये है कि आजकल मनरेगा के तहत जहाँ पर खुदाई चल रही है, ये युवा मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करने वाले बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और इंजीनियर्स हैं। मनरेगा के तहत इन लोगों को 200 रुपए रोज मजदूरी के मिलते हैं। इन ख्याड़ी मजदूरों को देखकर आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन इससे आगे की कहानी हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि फावड़ा चलाने वाले इन लोगों में किसी के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की डिग्री है तो कोई इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी के पास बीएड की डिग्री है तो किसी ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री होने के बावजूद ये लोग सामान्य मजदूरों की तरह सड़क पर सिर्फ 200 रुपए की थियाड़ी के लिए मिट्टी खोद रहे हैं। जगह जगह पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग इसी तरह से मजदूरी पर मजबूर हैं। एमए और कंप्यूटर की पढ़ाई करके शाहिद मेरठ के परीक्षितगढ़ में तालाब की खुदाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि देश में रोजगार का संकट अब बहुत गंभीर हो गया है, या फिर कोरोना वायरस के बाद देश में ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवानों का हाल यही होने वाला है, तो वायरस में अंतर समझना चाहें, कोरोना वायरस फैला हुआ जी, क्या अंतर बेसिक दोनों में? वायरस संक्रमण के द्वारा फैलता है, ये एक दूसरे से व्यक्ति में पहुंच जाता है। क्या वायरस और बैक्टीरिया? बैक्टीरिया हमारे ये होते हैं जी, खाने पर रहते हैं जी, वायरस से बनाया जाता है, वायरस बनाए जाते हैं, वायरस एक दूसरे में फैल भी आता दूसरे में, लेकिन बैक्टीरिया फैलता नहीं है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है गुड्स। अच्छा, आज मैं आपसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं कोई आपकी नॉलेज पे सवाल उठाना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम गुड्स डेवलपमेंट परसेंटेज, डेवलपमेंट परसेंटेज, डेवलपमेंट परसेंटेज,
कॉन्स्टिट्यूशन दो सूचियों में बटा हुआ है, दो सूची कौन कौन सी होती है? दो सूचियों में कंफर्म नहीं है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएशन करने वाले 20 में से 11 युवा ग्रेजुएशन की योग्यता वाली किसी भी नौकरी के काबिल नहीं होते। अगर बीबीए और एमए पास लोगों के फावड़ा चलाने की तस्वीरें दुखद हैं, तो बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद अपने लिए नौकरी की सही एप्लीकेशन तक न लिख पाना और भी अफसोसजनक है। जब तक इस तरह चिराग तले अंधेरा रहेगा, तब तक भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना मुश्किल है। हमारे कुछ फ्रेंड कहते हैं कि सर आप ऐसे ही वीडियो लाते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेटो मार्टिंग का ही सपोर्ट रहता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का हो या किसी सर्वे का हो या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो। तो मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि दोस्त ऐसे लोग जो महान पुरुष हैं ये क्या करेंगे, या तो वो खुद के अंदर शर्मिंदगी महसूस करें और चुपचाप जो काम मिल रहा है वो करते रहें, क्योंकि उनको तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है किसी भी कंडीशन में, इनफैक्ट प्राइवेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो है, आपके पास डिग्री तो है, लेकिन वो स्किल नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, आप टैलेंटेड हो, लेकिन क्या आप उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड हो जो 8 साल 10 साल या फिर काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, और उसी जॉब को आप भी पाने के लिए अप्लाई करते हो? तो सबसे पहले किसका होगा? डेफिनेटली जो उसमें मास्टर है, जिसके पास 2 साल 4 साल 5 साल यहां तक कि 8-8 साल का एक्सपीरियंस है। तो यहां पर तो आपका कुछ होने वाला है नहीं। अब आपके पास दो रास्ते बचते हैं, या तो आप लेबर मजदूरी कर लो या फिर घरों बैठ के खेती कर लो। खेती का काम आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप खेती काम कर लेते तो शायद अप्लाई करते ही नहीं। आपके पास सिर्फ बचा पहला ऑप्शन, मजदूरी कर लो जैसे बाकी लोग करते हैं, सुबह जाना शाम को वापस आना, 8 घंटे रगड़ के बैलों की तरह काम करना, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, जिस दिन नहीं खोदोगे पानी नहीं मिलेगा। तो डिसाइड आपको करना है, क्योंकि जिंदगी भी आपकी है। हमारा काम है अच्छे अच्छे वीडियो देना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, लेकिन करना आपको पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी को पकड़ के ज्वाइन भी कर लेते हो तो वहाँ पर भी आपको 8 घंटे 10 घंटे काम करना ही पड़ेंगे। अगर आपकी मेंटालिटी ये है कि नहीं वो तो जॉब है, तो दोस्त जॉब भी कई कैटेगरी के होते हैं, आपको प्रोफेशनल जॉब कभी नहीं मिलेगा। या फिर जैसे अभी आप वीडियो में देखे GDP GST इनके बारे में पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे। लेकिन यहीं पर नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है कि आपके पास डिग्री है नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी जहां तक भी पढ़े हो आप, मैटर नहीं करता है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर स्किल है, तो करके दिखा दो और बन जाओ अपने जिंदगी के मालिक।